बात करेंगे नीट की, तो नीट को लेकर घमासान जारी है। कैंडिडेट्स लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया है। बड़ी खबर इसे लेकर यह है कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ ये कानून लागू हो चुका है। इस कानून में पेपर लीक होने पर कड़े एक्शन का प्रावधान है। जेल और भारी जुर्माने से लेकर बैन होने तक का प्रावधान इसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने नए पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी हो गई है। तो पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू कर दिया। इसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं को लेकर रोकना है। एंटी पेपर लीक कानून में दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा है और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि सरकार के मास्टर स्ट्रोक से क्या पेपर लीक पर रोक लग पाएगी और नीट को लेकर जारी बवाल क्या थम जाएगा। अब इसे दबाव कहें या फिर मौके की नजाकत, लेकिन नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के नाम से ये विधेयक इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी थी। पेपर लीक या धांधली को रोकने के लिए इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग UPSC, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे मकसद है कि जितनी भी बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं या एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को भरोसा दिलाया जा सके कि वो जो परीक्षा दे रहे हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दरअसल इन दिनों नीट यूजी पेपर लीक को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में ये कानून लागू करके सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये कानून सरकार ने फरवरी में पारित करा लिया था, उस दौरान भी राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई पेपर लीक्स के मामले सामने आए थे। अब हम आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में देश भर में बवाल के बीच केंद्र सरकार ने जिस कानून की अधिसूचना जारी की है उसमें पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा। अधिनियम के तहत पेपर लीक से जुड़े सभी मामले संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस और गैर जमानती होंगे। इसके अलावा जिन सेवा प्रदाताओं या एजेंसियों को संभावित अपराध के बारे में जानकारी है लेकिन वो इसकी रिपोर्ट नहीं करते तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच के दौरान अगर ये तय हो जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की इजाजत दी थी या वो अपराध करने में खुद शामिल था तो उसे जेल की सजा के साथ जुर्माना देना होगा। अगर कोई परीक्षा अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर कोई संगठित अपराध करता है तो उसे जेल की सजा होगी। नीट और UGC नेट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच केंद्र ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक पेपर लीक करना या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ जेल की सजा 5 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी।
ये 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि किन गड़बड़ी या धांधली को इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना इजाजत क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना इजाजत छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसियों की तरफ से तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना। अब सवाल ये उठता है कि जिस कानून को फरवरी में राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, उसे आज क्यों लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की 15 भर्ती परीक्षाएं कराती है। हालांकि नीट में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बाद से पिछले 9 दिनों में एजेंसी को यूजीसी नेट सहित 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित करनी पड़ी है। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा 12 जून को हुई थी, जिसे उसी दिन रद्द कर दिया गया था। इसमें 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में परीक्षा दी थी। परीक्षा रद्द करने की वजह बताई गई कि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन नहीं कर पाए थे, लिहाजा एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द कर दी थी। अब तक नई तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। इसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को हुई थी, जिसे अगले दिन यानी कि 19 जून को रद्द कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा रद्द करने की वजह बताई थी कि टेलीग्राम पर पेपर की चर्चा हुई थी, जो पेपर से हूबहू मेल खा रहा था। अधिसूचना जारी करने से कुछ ही देर पहले CSIR यूजीसी नेट को भी रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा 25 जून को होनी थी। एनटीए ने अपरिहार्य परिस्थितियां और लॉजिस्टिक दिक्कतें बताकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस टेस्ट से लगातार हो रही धांधली को रोकने के लिए कानून तो लागू कर दिया है, लेकिन नीट में जिस धांधली के खिलाफ पूरा देश विरोध की आग में जल रहा है, उस पर ये कानून कितना असरदार होगा, ये देखना अहम होगा। क्योंकि नीट के अभ्यर्थी हर हाल में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित, फरवरी में कानून को पारित किया गया, लेकिन बावजूद उसके नीट जैसी बड़ी परीक्षा में धांधली सामने आती है, गड़बड़ी सामने आती है। अब जब इस कानून को लागू कर दिया गया है, जो प्रावधान इसमें शामिल कर दिए गए हैं, कितनी आशंका जताई जाए, कितनी संभावना जताई जाए कि आगे आने वाले समय में जो और भी परीक्षा होनी है उसमें गड़बड़ी ना हो? देखिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस अधिसूचना के लागू होने के बाद में इस तरीके से जो नकल विरोधी इसको कानून कहा गया है, इसको लागू होने के बाद में कुछ कमी आएगी, क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसमें सीधे तौर पर 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, वही जो है 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। और इसका जो लागू करने का मकसद यही है कि जिस तरह से पिछले जो है, अगर हम 1 दशक या 2 दशक की बात की जाए, देश में जो भी अहम परीक्षाएं हुई है उसमें से कई परीक्षाएं ऐसी हुई है जिनको लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं, और छात्रों का भविष्य जो है एक बार जो है संशय में आ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि आप करें तो क्या करें। हालांकि उसके बाद परीक्षा को करवाया जाता है और वो उसके बाद में छात्र उत्तीर्ण होते हैं और जो है कार्रवाई आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो पेपर लीक होते हैं वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि सरकार के लिए और पूरे सिस्टम के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लाया गया है, और अब जबकि इसकी अधिसूचना लागू हो गई है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस वक्त जो है हमारी नजर टिकी हुई है इस बात पर कि क्या ये
रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। इसका क्या मतलब हुआ, अधिसूचना लागू हुई है कल, लेकिन अगर हम बात करते हैं ये नीट ऐसे मामले आज सामने आ रहे हैं, हालांकि सरकार का कहना है और अभी पुलिस जांच कर रही है कि क्या पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गड़बड़ी की तो बातें निश्चित तौर पर सामने आ रही है, जो कि गोधरा वाला केस है, जो इसका भी ये जो अधिसूचना जारी हुई है, जो कानून है जिसका एक तरह तो उसमें भी प्रावधान रखा गया है कि अगर कहीं ओएमआर शीट से कहीं छेड़छाड़ होती है, और गोधरा में कुछ वैसा ही जो सुनने में आ रहा है, तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से ये लागू होगा कानून, और क्या ये जो गड़बड़ियां जो है नीट को लेकर के सामने आ रही हैं वहां पर भी ये कानून लागू होगा या नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि अब जिस तरीके की गड़बड़ियां पिछले एक डेढ़ महीने में, फिर चाहे वो नीट हो, यूजीसी नेट हो, या फिर जो है और अन्य एग्जाम जिनको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, ये या तो टाले गए हैं या रद्द किए गए हैं, अब वैसे जो है मामलों में इस कानून के तहत हो सकेगी कड़ी कार्रवाई। एक चीज और साफ कर देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि अब तक कार्रवाई नहीं होती थी, कार्रवाई अभी भी होती थी, लेकिन वो दूसरे कानूनों के प्रावधानों के तहत होती थी, आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत और सीआरपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत होती थी, लेकिन अब ये इसके लिए एक खास तौर पर कानून तैयार किया गया। उसका मकसद यही है कि देश के जो तमाम छात्र हैं, लाखों छात्र हैं जो परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।